ये हमारा महाराष्ट्र सामाजिक न्याय की धरती है। इस धरती ने ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अंबेडकर के रूप में ऐसी महान संतानें दी हैं जिन्होंने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को ताकत दी, प्रेरणा दी। आपने कांग्रेस के 60 साल का साधन भी देखा है और आपने मोदी के 10 साल का सेवा काल भी देखा है। पिछले 10 वर्षों में सामाजिक न्याय के लिए जितना काम हुआ उतना आजादी के बाद इसके पहले कभी नहीं हुआ था। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने अपने 60 वर्षों में जो उनको सत्ता भोगने का अवसर मिला था, एससी एसटी ओबीसी वर्ग के हर हक को रोकने का निरंतर प्रयास किया और उसके पीछे उनकी फिलॉसफी थी। उनकी फिलॉसफी ये थी कि इनको ऐसे ही रहने दो ताकि वो हमारे आश्रित रहे और जब चाहे तब हम उनसे जो वोट चाहिए वो लेते रहे। जानबूझकर के ऐसा किया, लेकिन मोदी का तो आपका दिल का नाता है, दिल का। और इसलिए 10 वर्षों में हमने सच्चे सामाजिक न्याय पर अभूतपूर्व बल दिया है। और मैंने एक बार कहा था सोलापुर में, मेरे यहां अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे उसमें हमारे पद्मशाली समाज के लोग बहुत थे और कोई हफ्ता मेरे जीवन में ऐसा नहीं गया होगा कि मुझे किसी न किसी पद्मशाली परिवार ने भोजन न कराया हो। और एक प्रकार से मैं उनका नमक खा करके बड़ा हुआ हूं। और आज मैं जो गरीबों की सेवा कर रहा हूं ना, मैं उनका कर्ज चुका रहा हूं। हमने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। मेडिकल की परीक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू किया। ये भाजपा है जिसने एससी एसटी के आरक्षण में जो पॉलिटिकल आरक्षण होता है वो हर 10 साल में बढ़ाना होता है। पहले अटल जी की सरकार को मौका मिला था, उन्होंने 10 साल बढ़ाया। फिर मोदी को मौका मिला, हमने भी 10 साल बढ़ाया। हमने किसी का भी हक छीने बिना, न दलित का हक छीना, न आदिवासी का हक छीना, न ओबीसी का हक छुना, लेकिन सामाजिक न्याय के उत्तम व्यवहार को लेते हुए हमने जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं, उन सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को न्याय देने के लिए 10% आरक्षण उनको भी दिया और देश में कोई आग नहीं लगी, पुतले नहीं जले। इतना ही नहीं, इस देश के सभी दलित नेताओं ने उसका भरपूर जोश स्वागत किया। हमारा सामाजिक न्याय का तरीका समाज में विभेद पैदा करने का नहीं है, समाज को जोड़ने का है।